देखते हैं कैसे इसको भी उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे देखो ये विकर्ण बनाते हैं ना, विकर्ण, तो जो विकर्ण होता है वही परिणामी आर को व्यक्त करता है। तो परिणामी आर का अगर माड लिखेंगे तो माड वेक्टर आर बराबर आर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भुजा की लंबाई है वो किसको व्यक्त करेगा, परिमाण को व्यक्त करेगा। तो यहाँ परिमाण हो गया आर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनके लिए झुकाव भी बराबर होगा। लेकिन जो परिणामी है वह इस पहले वेक्टर ए से कितना अंश कोण पर झुका हुआ है, उसे माना गया था अल्फा। तो अल्फा हो गया परिणामी का ए के सापेक्ष दिशा, कि ए के सापेक्ष किस दिशा में परिणामी है। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज लेंगे, दो समकोण त्रिभुज दृष्टि में आएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा आर जे पी और एक समकोण त्रिभुज होगा आर जे क्यू। तो जो त्रिभुज आर जे क्यू है इससे हम आंकड़ा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा पहले यूज़ करके ज्ञात कर चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इसी में से तो यूज़ किया था। आज कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, बड़ा वाला त्रिभुज आर जे पी। इस त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग यानी जे पी और प्लस लंब के वर्ग यानी आर जे के बराबर होना चाहिए। यह है पाइथागोरस का उपयोग। तो आर पी क्या है भाई, आर से पी तक का डिस्टेंस है परिमाण आर, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर। जे पी क्या है, जे से लेकर पी पॉइंट तक की जो वैल्यू है, जे से लेकर पी पॉइंट तक, उसमें दो पार्ट है, एक है पी क्यू और एक है जे क्यू। तो लिखेंगे पी क्यू प्लस जे क्यू, क्योंकि जे पी जो है वो दो भागों में है, पी क्यू और जे क्यू, प्लस आर जे स्क्वायर। सो आर स्क्वायर बराबर ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस आर जे स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखो तो अगर हम आर जे स्क्वायर में जे क्यू स्क्वायर जोड़ दें, इन दोनों का जोड़ दें तो क्या मिलेगा, आर जे स्क्वायर प्लस जे क्यू स्क्वायर, यानी ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो बराबर क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग यानी क्यू आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस रिजल्ट के अनुसार जो जे क्यू और आर जे है ये दोनों हटा देंगे और इसकी जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर लिखें, तो हमें परिणाम मिलेगा आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस जे क्यू स्क्वायर आर जे स्क्वायर हटा के क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर एंड प्लस टू पी क्यू इंटू जे क्यू। क्या ये परिणाम समझ में आया है, कैसे भी उत्पन्न किया गया। अब इसमें मान रख दो, चित्र में देखो पी क्यू का परिमाण क्या होगा, ए, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, क्यू से आर तक की जो डिस्टेंस वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, बी के परिमाण के बराबर होगी, प्लस टू पी क्यू, पी से क्यू तक क्या होगा परिमाण ए, आर इंटू जे क्यू, जे क्यू क्या है भाई, बी का थीटा। देखो जे क्यू कहो चाहे क्यू जे कहो बात तो वही है ना, क्यू जे या जे क्यू, इसको लिखेंगे बी का थीटा। तो अब आप ध्यान दो तो आपको मिल गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का थीटा। अगर हम इसका वर्गमूल ले ले तो वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस
थीटा, ये परिणाम हो गया। क्या यही था फॉर्मूला? तो हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा रिजल्ट सिद्ध करते हैं, क्या टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दूसरा जो है वो दिशा का है, दिशा किसका? परिणामी की। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष। जो पहला वेक्टर ए है इसके सापेक्ष परिणामी की दिशा क्या है ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज तो ये आर जे क्यू है ही, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम त्रिभुज आर जे क्यू का प्रयोग करेंगे और इस त्रिभुज में लिखेंगे टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये कोण अल्फा है और लंब क्या है? आर जे। आधार क्या है भाई? जे क्यू, जे पी, जे से लेकर पी तक। बट आप देखो तो जो जे पी है जे से लेकर पी तक वो दो भागों में है, एक है पी क्यू और एक क्या है? जे क्यू। तो टेन अल्फा बराबर आर जे की वैल्यू क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा बटे पी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए प्लस जे क्यू क्या लिखेंगे? जे क्यू क्या है? बी कॉस थीटा। तो क्या आपको दूसरा सूत्र भी मिल गया? टेन अल्फा बराबर बी का साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी यहाँ से अगर दिशा अल्फा निकालना हो तो टेन को पक्षांतर कर देंगे टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस। इससे हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ विशेष स्थितियाँ हैं उन्हें भी इसी वक्त लिख लेते हैं। विशेष स्थितियाँ, उनमें से पहली स्थिति है कि मान लो थीटा बराबर क्या हो जाए? जीरो। थीटा बराबर जीरो होने का क्या मतलब है? ए और बी के बीच का कोण जीरो हो जाए। ए और बी के बीच का कोण जीरो तभी होगा जब ए और बी क्या हो जाए? समांतर। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तब ऐसे में हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी? कास जीरो का मान क्या होता है? एक। तो आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और इनटू कास थीटा की जगह क्या लिखेंगे? वन। तो ये बन गया सूत्र क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा ए प्लस, यानी दो सदिश अगर समांतर है तो उनका परिणामी उनके योगफल के बराबर हो, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का और डाटा आपको हम सिखाते हैं। तो एक परिस्थिति हमने सीखा जिसमें हमें परिणामी का मान मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जब ए और बी परस्पर क्या हो जाए? लंब। ए और बी दोनों सदिश एक दूसरे पर क्या हो जाए? लंब हो जाए। तब ऐसी अवस्था में थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। और कास 90 का मान होता है जीरो। तब ये परिणामी आर का मान मिलेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कास थीटा की जगह जीरो। तो सिर्फ मिलेगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस, यानी हम पाइथागोरस का उपयोग करके भी इन दोनों सदिशों का परिणामी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा तभी होगा जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो? लंबवत। एक ए है और एक बी है और दोनों के बीच का कोण क्या है? 90। तब इनका परिणामी जो आर होगा वो सीधा पाइथागोरस से प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है।
तीसरी स्थिति है जब ए और बी परस्पर विपरीत हो जाए, ए और बी परस्पर क्या हो जाए, विपरीत। जब विपरीत हो जाएंगे तो थीटा का मान 180 और कास 180 अंश का मान होता है ऋण एक, तब परिणामी आर बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कास थीटा की जगह यूज़ किया जाएगा ऋण एक। तो आर बराबर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ये बन गया ए माइनस बी का, तो परिणाम में क्या आएगा, ए माइनस बी ही तो आएगा, लेकिन जब ए इज ग्रेटर देन बी है तब। तो यहाँ पे तीव्रता क्या मिल रही है, परिणामी मिलेगा मिनिमम और यहाँ मिलेगा परिणामी मैक्सिमम। मिनिमम तब होगा जब सदिश परस्पर क्या हो, विपरीत हो, तब मिनिमम आएगा। और मैक्सिमम कब आएगा, जब सदिश परस्पर एक ही दिशा में हो या समानांतर हो या संपाती हो, तो अधिकतम परिमाण मिलेगा और विपरीत होंगे तो न्यूनतम परिमाण मिलेगा। ये दोनों बातें स्पष्ट हैं। और अगर लंब रहेंगे तो पाइथागोरस का यूज़ करके डायरेक्ट मान निकाल लेंगे परिणामी का, ये परिस्थितियाँ स्पष्ट हैं। सो दैट साल इस त्रिभुज में, समांतर चतुर्भुज में इतने फॉर्मेट बेसिक रूल जो है वो यही है। अब इस पर एक प्रश्न करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करें कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो एक आंकिक प्रश्न इसके साथ लगाते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लो, फिर लिखाते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न लिखिए, दो बल जिनके बीच दिशा का अंतर, दो बल जिनके बीच दिशा का अंतर, दिशा का अंतर 60 अंश है का परिणामी का परिमाण क्या होगा, परिणामी का परिमाण क्या होगा जबकि दोनों बलों के परिमाण क्रमशः, जबकि दोनों बलों के परिमाण क्रमशः तीन न्यूटन और चार न्यूटन है, परिणामी बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए, परिणामी बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिणामी बल की दिशा भी हमें ज्ञात करनी है। इसमें दो बल दिया हुआ है, पहला बल कितना है F1 बराबर 3 न्यूटन, दूसरा बल F2 कितना है 4 न्यूटन, और दोनों बलों के बीच कोण क्या है 60 अंश। तो आप कैसे इनका परिणामी लिखोगे, R बराबर स्क्वायर रूट पहला बल F1 स्क्वायर प्लस दूसरा बल F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 और कास थीटा, यही तो समानता चतुर्भुज कहता है। इसके अनुसार F1 की वैल्यू कितनी है 3, F2 को 4, और 2 × F1 F2 × cos θ मीन्स cos 60। सो R की वैल्यू आ जाएगी 3 × 9 प्लस 4 जो को 16 और प्लस 2 × 3 = 24 और cos 60 अंश का मान 1/2, इतना न्यूटन आएगा। तो परिणामी R बराबर हो जाएगा 16 × 9 = 25 और प्लस ये आधा हो जाएगा 12 × 25 जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 37 न्यूटन। 37 का वर्गमूल लेंगे तो 6 × 36 137, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो आएगा लगभग 700, 6 × 6 यानी 6.01 न्यूटन लगभग आएगा, 6.0 न्यूटन के आसपास आएगा। ये तो परिणामी का परिमाण हो गया।
फिर पूछा दिशा बताओ, तो दिशा के लिए क्या करेंगे अभी? दिशा के लिए सीबीआई लगाएंगे, मतलब टेन अल्फ़ा का यूज़ करेंगे। टेन अल्फ़ा क्या कहता है? एफ़ टू साइन थीटा बटे एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, यही यूज करना चाहिए। इसमें आप मान रख दो, टेन अल्फ़ा बराबर एफ टू मीन्स व्हाट? चार। साइन थीटा मीन्स साइन 60 बटे ए प्लस बी यानी 3 प्लस 4 कॉस थीटा यानी कॉस 60। साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3 बाई 2 बाई 3 प्लस 4 इंटू कॉस 60 का मान 1 बाई 2। दो से काट देंगे, दो दूनी 4, अब बटे दो दूनी 4 ही आएगा, तीन में दो जुड़ के 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 5। ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि टेन अल्फ़ा का मान इतना आएगा, तो टेन अल्फ़ा बराबर 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 5 आया, तो अल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स होगी। तो ये हो गया डायरेक्शन, दिशा, और ये हो गया परिणामी का परिमाण। ये है समांतर चतुर्भुज विधि का एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है। अब यहाँ से चलते चलते एक और चीज़ आपको हम बताते चले। जैसे हमने जो दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला सीखा है वो क्या है? सिर्फ टेन अल्फ़ा है। कोई ज़रूरी नहीं कि टेन से ही दिशा निकालें, दिशा का मतलब है थीटा, कोण से। तो कोण तो साइन से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी निकाल सकते हैं ना भाई, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से कोण निकाल सकते हैं। क्या कोई ज़रूरी है कि बार बार टेन ही लेके हल करें? ये आवश्यक तो नहीं है, आवश्यक है कोण का मान प्राप्त होना। अब उसके लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम प्रयोग करते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो एक नियम होता है, वह भी आप जान लो, इसे कहते हैं ज्या नियम। कौन सा नियम? ज्या नियम। ये ज्या नियम क्या चीज़ है? अंग्रेजी में बोलते हैं साइन रूल। कौन सा रूल? साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि मान लो एक बिंदु पर तीन बल लग रहे हो या तीन सदिश ऐसे बना रहे हो जिनका नाम क्रम से मान लो क्या है, पी क्यू और आर है। इनके लिए पी और क्यू के बीच का कोण अल्फ़ा है, क्यू आर का बीटा है, आर पी का गामा है। तो ये साइन रूल ये कहता है कि इन तीनों में से किसी एक सदिश को जब आप लेंगे तो उसके बटे में साइन लिखोगे, लेकिन जो साइन में कोण यूज़ करना वो उस सदिश का बिल्कुल नहीं प्रयोग करना जिसका आपने अनुपात लेना है। जो शेष दो बच रहे हैं उनके बीच का कोण लो। तो अगर मैं पी लेता हूँ तो पी के लिए क्यू और आर के बीच का कोण लिखूँगा बीटा। अगर हमने सदिश क्यू का प्रयोग किया तो आर और पी के बीच का कोण यूज़ करेंगे गामा, और अगर हम आर यूज़ करते हैं तो फिर कौन सा कोण लेंगे? अल्फ़ा। ये है साइन रूल। इससे भी हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में। ये ऐसे भी सत्य है और इसका इनवर्स भी सत्य है। कैसे? साइन बीटा बटे पी बराबर साइन गामा बटे क्यू बराबर साइन अल्फ़ा बटे आर, यह भी सत्य है, दोनों सत्य हैं, चाहे फॉर्मेट में लो चाहे इसके इनवर्स में लो। अब इसे समांतर चतुर्भुज में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको सिखाते हैं हम। देखो, समांतर चतुर्भुज में ए विकर्ण होता है, ये वेक्टर ए मान लो है जो अभी आपने पढ़ा था, वो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? आर। और इधर होता है वेक्टर बी। यहाँ ए और आर के बीच का कोण क्या था? अल्फ़ा। ए और बी के बीच का कोण क्या है? थीटा। है कि नहीं? तो यहाँ देखो तीन सदिश मिल रहे हैं ए आर बी, इसमें से हम साइन रूल लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप इस पे साइन रूल अप्लाई कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर आप परिणामी आर लेते हो, परिणामी आर, तो परिणामी आर जब लेंगे तो किन के बीच का कोण लेंगे? ए और बी के बीच का कोण लेंगे ना, तो थीटा प्रयोग करेंगे। और जब हम सदिश ए लेंगे तो बी और आर के बीच का कोण लेंगे, और अगर सदिश बी लेते हैं तो आर और ए के बीच का कोण लेंगे। तो हमने सदिश बी ले लिया, तो जो सदिश लेते हैं उसके छोड़कर शेष दो दो बचते हैं उनके बीच का कोण प्रयोग किया जाता है।
तो अगर हमने सदिश बी ले लिया है तो अब मैं कोण कौन सा लिखूंगा, आर और ए के बीच का अल्फा प्रयोग करेंगे, तो बी बटे साइन अल्फा। यहाँ से भी आप अल्फा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर साइन अल्फा बराबर इधर गुणा करेंगे बी साइन थीटा, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी बटे आर साइन थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम दिशा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना समझो कि जो बल आप प्रयोग करोगे, जो सदिश आप प्रयोग करेंगे उस सदिश को छोड़ दीजिए, बाकी जो शेष दो बच रहे हैं उनके बीच का कोण लेना है। तो हमने जब लिया आर, आर लिया तो हमने ए और बी के बीच का कोण थीटा लिया। देखो जब हमने सदिश बी प्रयोग किया तब हमने आर और ए के बीच का कोण लिया, अगर आप सदिश ए प्रयोग करते तो आपको बी और आर के बीच का कोण प्रयोग करना पड़ता। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही रूल इसमें है कि जो बल प्रयोग करो उसे छोड़कर शेष दो के बीच का कोण हमेशा उपयोग करो। क्या ये बात समझ में आई है? तो ये जरूरी नहीं कि टेन अल्फा लगा के ही बार बार आप हमेशा परिणामी की दिशा निकालो, आप जे आर रूल से भी परिणामी की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इतनी जानकारी स्पष्ट है, इसे नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल, इसमें इतना ही।